आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे आज हम चूल्हे पर चाय बनाने वाले हैं सबसे पर... पहले इसमें लकड़ियाँ रखते हैं और पेपर रखते हैं पेपर इसलिए रखते हैं कि लकड़ियाँ सही से जल जाएं लकड़ियाँ सूखी हुई हैं लेकिन फिर भी पेपर से ही जल पाएंगी लकड़ियाँ तो इसलिए हमने सबसे पहले पेपर रखे है नीचे और उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी है और ये आग जला दी है हमारे यहाँ का मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रहा है तो हमारा चाय बनाने का भी मन करने लगा शाम का टाइम है और ठंडा मौसम हो रहा है तो हमने सोचा कि आज हम चूल्हे पर चाय बनाते हैं और चूल्हे पर बनी हुई चाय में जो है एक अलग सा और स्मोकी वाला फ्लेवर आता है तो चाय बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो ये हमारा दूध का बर्तन था इसमें पहले से दूध छोटा रह गया ये और इसमें दूध था पहले से ही तो इसमें ही चीनी पत्ती और थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने हमें अंदाजा नहीं था तो ये छोटा रह जाएगा चूल्हा बड़ा बना हुआ है बर्तन छोटा है फिर भी हमने रख दिया कोशिश हाँ तो इसी में हमने चाय बनने के लिए रख दिया और आग अब हमारी बहुत तेज जल रही है अब ये इसमें चाय में जो है आ, उ, उ, उफान भी आने लगा और चाय वाला लुक भी आ गया इसमें रेड रेड हो गई है ये चाय हमारी पूरी तरह से बन चुकी है और ये अब हम जो है लकड़ियाँ बाहर कर लेंगे और भगवने को जो है चूल्हे पे से उतार लेंगे उतारने के बाद चाय बिल्कुल रेडी है पीने के लिए अब हम जो है चाय को ये देखो पीने के लिए चाय है ये। कर लेंगे और हम भी रेडी हैं चाय पीने के लिए अल्लाह हाफिज अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अल्लाह हाफिज